please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बचपन में जब कभी गलती से किसी फल का बीज निगल जाते थे तो डर जाते थे ना कि कहीं पेट में उस फल का पेड़ ना उग जाए। फिर जब बड़े हुए तो समझ में आया कि हम कितने बुद्धू थे, कुछ भी सच मान बैठते थे। शरीर में पेड़ कैसे उग जाएगा? लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि बचपन का आपका वहम कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। दावा यह है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चूहे के शरीर में सोयाबीन का पौधा उग गया है। क्या ये मुमकिन है या सोशल मीडिया ने कोई शगुफा छोड़ा है? पौधा कहां उगता है? मिट्टी में? बिना मिट्टी के उग सकता है पौधा? क्या बेतुकी बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि हो सकता है। सबूत, इस चूहे को देखिए। बाप रे, चूहे के शरीर में पौधा, ये कैसे हो गया? जिंदा जानवर पर भला पौधा कैसे उग जाएगा? सोशल मीडिया का दावा है कि यह गजब हुआ है मध्य प्रदेश के रतलाम में। लेकिन ये चूहा अपने ऊपर पौधा उगाकर कैसे घूम रहा है? चूहे पर पौधा आखिर उगा कैसे? और उगा तो उगा, ये चूहा अपने ऊपर पौधे को उगाकर जी कैसे रहा है? पौधे की लंबाई देखकर लगता है कि ये कई दिनों से चूहे पर उगा हुआ है। लेकिन एक पौधे को सींचने के लिए मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसकी जड़ों को फैलने के लिए जो जगह चाहिए होती है, वो छोटे से चूहे का शरीर कैसे दे पाएगा? इन सवालों ने सोशल मीडिया को भी असमंजस में डाल दिया है। चमत्कार, जिंदा चूहे की कमर पर उगाया सोयाबीन का पौधा, रतलाम जिले का वायरल वीडियो। एक चूहे की गर्दन पर पौधा, जड़ गर्दन से होते हुए जमीन में चली गई, पर चूहा जिंदा है। वीडियो रतलाम के पास नायन गांव के किसी दातार सिंह के खेत का बताया जा रहा है। क्या ऐसा भी होता है? वाकई सवाल यही है कि क्या ऐसा भी होता है? भला ये मुमकिन कैसे है? चूहे के शरीर पर पौधा कैसे उग जाएगा? क्या चूहे का शरीर एक पौधे को सींच सकता है? क्या पौधे के उगने के लिए पोषक तत्व और दूसरी जरूरतें चूहे का शरीर पूरी कर सकता है? और सिर्फ चूहा ही क्यों, क्या जानवर, यहाँ तक कि इंसान के शरीर पर भी पौधा उग सकता है? और आखिरी सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरल वीडियो किसी की शरारत है? ये भी तो हो सकता है कि चूहे पर पौधा चिपकाकर सनसनी फैलाई जा रही हो। माजरा आखिर है क्या, ये जानने के लिए हम पहुंचे मध्य प्रदेश के रतलाम के नायन गांव। चूहे की तलाश करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि चूहे पर पौधा उगने के किस्से से यहां बच्चा बच्चा वाकिफ है। हमने मुलाकात की दातार सिंह से, जिनके खेत में ये अजूबा हुआ था। दातार सिंह ने बताया कि वो 8 अगस्त को अपने खेत पर दवाई का छिड़काव करने गए थे, लेकिन खेत में एक अजीब चीज ने उन्हें हैरत में डाल दिया। शुरू से मैं क्या खेत पे गया तो मैं मेड़ के ऊपर खड़ा था तो वो क्या है कि वो डारा हिल रही थी, तो मैं जाने का और कुछ सांप आंप क्या है, तो डंडा था मेरे पास में, उसको झुका के देखा मैंने तो ये तो चूहा, उसको देखा फिर अच्छे तरह से घूम दो पलटे भागो नहीं, वो तो देखो उसके गर्दन के ऊपर मतलब सोयाबीन निकल गई। बदकिस्मती से चूहा अब जिंदा नहीं है। एक पौधे को उसका नन्हा शरीर आखिर कब तक सींच पाता? 10 अगस्त को वो मर गया। पौधे की जड़ चूहे के शरीर से पार होकर मिट्टी के अंदर तक फैली हुई थी। गांव वाले चूहे की मदद तो करना चाहते थे, इसलिए मिट्टी में फैली पौधे की जड़ों को खोदकर चूहे को घर भी ले आए। लेकिन कहीं उनका मजाक ना बन जाए, इसलिए वो चूहे को किसी पशु चिकित्सक के पास लेकर नहीं गए। फिर वो गए थे दवाई छिड़कने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हमारे खेत में ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो चलो सब। फिर सब गए, 10-20 जन है साथ में, और देखा दखी की बात है, वो जमीन से निकल के पौधा ऊपर आ गया, उसके गर्दन के पास निकल गया। ये तो कुदरत का करिश्मा ही है कैसा। चूहे पर सोयाबीन का पौधा उगने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सरकारी महकमों को भी भनक लगी, लेकिन न कोई कृषि वैज्ञानिक आया और न ही किसी जीव शास्त्री ने चूहे की सुध ली। चूहे के शरीर पर पौधा उगा तो था, ये तो हमने भी अपनी आंखों से देखा, ये किसी की शरारत तो नहीं थी। लेकिन ये अजूबा हुआ कैसे, ये समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया सरकारी पशु अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने इसे प्रकृति का करिश्मा बताया। से हम कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं, हुआ तो है, इसलिए इसको झुटला भी नहीं सकते कि ये नहीं हुआ है।
और दोनों ही सुरक्षित रहे। इसका कारण यह हो सकता है कि चूहा एक स्थान पर बैठा होगा और पौधा जमीन से निकला और उसको छेद करते हुए वो ऊपर निकल गया शरीर के। उसकी जड़ें जमीन में थी तो उसको पोषण तो जमीन से मिलता रहा और पौधा बढ़ता रहा। अब हम पहुंचे रतलाम के शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय। यहां हमने मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले जूलॉजिस्ट डॉक्टर बी के रेड्डी से बात की। पता चला कि चूहे के शरीर में पौधा उगना मुमकिन है, लेकिन वजह अलग है। एक तो चूहा वो बिलकारी जंतु है, ऑलरेडी जब बिल में घुसते वक्त आते वक्त कहने के उसका इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन के घाव में मिट्टी का परत जमते गया और उस दौरान उसकी सोयाबीन की बोवनी हो गई या एक बीज वहाँ पे गिर गया और उसकी अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको पूरा जो अनुकूल वातावरण उसका मिल गया, एज ए रिजल्ट वो अंकुरित हो चुका है। इन जनरल अपन देखिए बिल्डिंग में भी आपको जहाँ पत्थर होता है वहाँ पत्थर में भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। वनस्पति शास्त्री के मुताबिक भी चूहे के शरीर में पौधा तो था, लेकिन पौधा चूहे पर नहीं जमीन की मिट्टी में उगा था जो कि चूहे को पार कर गया। पौधा तो जमीन में ही होगा और जमीन से ही वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा होगा, लेकिन अगर वो उसमें घाव वगैरह हो जैसा आप कह रहे हैं तो उसमें से वो निकल सकता है, अपना रास्ता बना सकता है, क्योंकि वहाँ कोई वो अटक नहीं रहा है। लिविंग ऑब्जेक्ट में यदि कोई छेद हो तो उसके अंदर से बाहर आ जाएगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि चूहा जख्मी था, इसलिए पौधे को घाव के जरिए चूहे के शरीर से गुजरने का रास्ता मिल गया। ये भी हो सकता है कि पौधा चूहे के घाव पर उगा, लेकिन एक संभावना ये भी है कि पौधा उगा तो जमीन पर ही, लेकिन घाव होने की वजह से वो चूहे के शरीर से पार हो गया। ऐसा ही तो दीवारों की दरारों पर उगने वाले पौधों के साथ भी होता है। अक्सर पुरानी इमारतों में पीपल का पेड़ उग जाता है, कभी सोचा है कैसे? ईंटों से बनी निर्जीव दीवार भी तो पौधे को सींच नहीं सकती, फिर कैसे पौधा उस पर उग जाता है? दरअसल पौधे को जहाँ जहाँ अपनी जड़ फैलाने की जगह मिलती है वो वहाँ वहाँ फैलता जाता है। जब तक पौधे को जरूरी तत्व मिल पाते हैं वो हरा भरा रहता है। यही चीज चूहे के साथ भी हुई। चूहा जीता महज 6 महीने ही है, उसमें भी वो करीब 40 दिन तक एक पौधे को अपने शरीर पर पालता रहे, ये बात हैरत अंगेज तो है ही। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में चूहे के शरीर में पौधा होने की वायरल खबर सही साबित हुई है। 16 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि दुख की इस घड़ी में भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही जश्न मन रहा था। ये जश्न था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 50वें जन्मदिन का। क्या वाकई अटल बिहारी वाजपेयी के निधन होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपना जन्मदिन मनाया, या सोशल मीडिया पर कुछ लोग दुष्प्रचार करने में जुटे हैं? दिन जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया से रुखसत हो गए, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन 16 तारीख को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 50वां जन्मदिन भी था, तो सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल के केक काटने की तस्वीर वायरल होने लगी। दावा होने लगा कि एक तरफ तो महान नेता हमें छोड़कर चला गया और अरविंद केजरीवाल हैं कि इस वक्त में भी जश्न मना रहे हैं। लोग कहने लगे कि दुख की इस घड़ी में भी अरविंद केजरीवाल खुशी मनाने से नहीं चूके। केजरीवाल जी ने अटल जी के देहांत के कारण सादगी से जन्मदिन मनाया। क्या अब अरविंद केजरीवाल अटल बिहारी वाजपेयी से माफी मांगेंगे? सुबह केजरीवाल ने ऐलान किया था कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कितना झूठ बोलते हो सर जी। अटल बिहारी वाजपेयी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना जन्मदिन न मनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के बीच सोशल मीडिया पोल खोलने का दावा करने लगा। सवाल ये है कि क्या वाकई अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना जन्मदिन मनाया? अगर हाँ तो फिर जन्मदिन न मनाने का ऐलान ही क्यों किया गया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वायरल तस्वीर गलत हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ फैलाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है?
एक संभावना ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के जश्न की ये तस्वीर किसी पुराने जन्मदिन की हो सकती थी, लेकिन केक पर लिखा हुआ 50 इस बात का सबूत है कि जन्मदिन इसी साल का ही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। लिहाजा अब हमने इस तस्वीर की ही पड़ताल की कि कहीं इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, लेकिन हमें इसके एडिट होने का कोई सुराग नहीं मिला। तस्वीर सही निकली। अब सवाल ये था कि ये जश्न मना कब, क्योंकि केजरीवाल तो जन्म ना मनाने का ऐलान कर चुके थे। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जानकारी जुटाने की कोशिश की। हमें 16 अगस्त 2018 को दोपहर 12:20 पर किया गया एक ट्वीट मिला। इस ट्वीट के साथ अरविंद केजरीवाल का वीडियो भी है। इस वीडियो को देखकर साफ है कि वायरल हो रही तस्वीर इसी मौके की है। इस ट्वीट में लिखा है, भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की खराब तबीयत और केरल में बाढ़ की वजह से अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो स्वयं और दिल्ली सरकार केरला के लिए मदद कर रही है, आप लोग भी करें। ट्विटर पर तो ये वीडियो महज 24 सेकंड का ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर 3 मिनट का ये वीडियो मौजूद है। ये वीडियो फेसबुक पर 16 अगस्त को दोपहर 12:00 डाला गया है। जरा सुन लीजिए कि जन्मदिन के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आखिर कहा क्या था। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। ऐसे में ज्यादा सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता। दूसरा, मैंने कभी आज तक अपना जन्मदिन मनाया नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल में और नीचे चले जाएं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये तस्वीर, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको इसी मौके की दूसरी तस्वीर दिखाता है। पीछे दीवार पर लगी घड़ी देखिए, 11:00 बज रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के समर्थक 16 अगस्त को सुबह 11:00 उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। केजरीवाल खुद जन्मदिन नहीं मनाना चाहते थे, ये बात उन्होंने अपने समर्थकों से भी कही और अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए एम्स रवाना हो गए। इसके बाद करीब 11:45 उनके मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने उनके जन्मदिन न मनाने की जानकारी दी, लेकिन शाम 5:05 पर अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। कितनी तस्वीरें आ चुकी हैं आज तक झूठ मूठ की, और पता नहीं कितनी तस्वीरें आती रहेंगी। हमेशा ये प्रयास किया जाएगा कि देश की जनता के फायदे का जो मसला है उससे आपका ध्यान कैसे भटकाया जाए। अब उन लोगों की सोचिए कि जिनके पास इतना वक्त है कि केरल के ऊपर बात करने के बजाय वो एक तस्वीर के ऊपर बात करना पसंद कर रहे हैं, तब समझिए कि उनकी इंसानियत किस खाई में जाके दफन हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद जन्मदिन मनाने का झूठ फैलाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि ये खबर सरासर गलत है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, नमांकों से पूरे राष्ट्र ने उन्हें विदाई दी, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि AIMIM पार्टी के एक पार्षद को वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पर विरोध जताया। फिर क्या था, बीजेपी के पार्षदों ने उसकी ऐसी धुनाई की कि उसे सदन से ही चलता कर दिया। क्या वाकई पार्षद ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पर एतराज जताया था? क्या इसी वजह से उसके साथ मारपीट हुई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करने पर पिटाई की खबर पक्की है? लाल शर्ट पहने ये शख्स सामने खड़े आदमी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या, दूसरे आदमी ने ही थप्पड़ जड़ दिया। यहाँ तो माजरा कुछ और ही है, हर कोई हाथ साफ करने में लगा है। ये देखिए, महिला भी कम नहीं है, अपनी चप्पल से ही हमला कर दिया। ये हो क्या रहा है, कौन है ये शख्स, इसे पीटा क्यों जा रहा है? सोशल मीडिया का दावा है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि AIMIM पार्टी के पार्षद हैं, और इनकी पिटाई हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करने के लिए। दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन पार्षद महोदय ने उसका विरोध कर दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी पार्षदों ने पीट डाला, पहले दनादन थप्पड़ पड़े फिर लात घूसे। भरे सदन में पार्षद को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। पार्षद संभलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें जमीन पर गिरा दिया जाता है।
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का विरोध करने वाले ओवैसी के AIMIM पार्टी के पार्षद को जबरदस्त सबक सिखाया गया। अटल जी का अपमान करने वाले ओवैसी के पार्षद की हुई पिटाई। पहला सवाल तो ये कि ये मामला है कहाँ का, क्या वाकई अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने का विरोध करने पर पार्षद को पीट दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने वीडियो को अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से जोड़कर वायरल किया जा रहा है? भरे सदन में पार्षद पिटता रहा तो कार्रवाई क्या की गई? वजह चाहे जो रही हो, किसी के साथ मारपीट करना किसी भी तरह से जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, वो भी भरे सदन में जनता के नुमाइंदे इस तरह की हरकत करें, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने पड़ताल की तो पता चला कि मामला औरंगाबाद महानगर पालिका का है। पीटे जा रहे AIMIM के पार्षद सैयद मतीन है। 17 अगस्त को नगर पालिका में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए शोक प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन सैयद मतीन ने उसका विरोध कर दिया। श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आया था, हमने एक जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेसी अंदाज में हमने ये कहा हमारी पार्टी की जानिब से, तब हमारा विरोध दर्ज कर लिया जाए। तो इस पे बीजेपी के कारपेटर गुंडागर्दी पे उतर आए, राजवान खेड़े, प्रमोद राठौड़ और कुकरे कारपेटर ने जो मुझ पे हमला किया। अरे दम था तो अकेले आना था, एक अकेले में 10-10 आ रहे, फिर भी हमने पूरी मुकाबला किया। सैयद मतीन के प्रस्ताव का विरोध करने पर उनकी पार्टी में भी नाराजगी है। पार्टी तो खुद ही उनसे कन्नी काट रही है। पार्टी कहीं पर भी उनका साथ इस मुद्दे के ऊपर नहीं देगी, क्योंकि ये पार्टी का फैसला नहीं था। इससे पहले भी इस कॉरपोरेटर की बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि पार्टी की लाइन को छोड़कर ये पार्टी के विरोध में जाकर जो काम कर रहे हैं, उसकी हमने पूरी जानकारी हासिल की है। इसकी रिपोर्ट तैयार करके हम पार्टी अध्यक्ष को देंगे। हम हमारे कॉरपोरेटर का साथ नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के ये गुंड प्रवृत्ति के जो कॉरपोरेटर्स वहाँ पर गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए थे, जिस तरह से बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया है, उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि नाराजगी थी तो उसके लिए हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? क्या बातचीत से मामला नहीं सुलझाया जा सकता था? सदन में मारपीट करने का अधिकार बीजेपी पार्षदों को किसने दिया? बीजेपी का पक्ष जानने के लिए अब हमने महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप राज पुरोहित से संपर्क किया, लेकिन राज पुरोहित तो अपने पार्षदों की गलती मानने के बजाय उन्हें सम्मानित करने की बात करने लगे। उसकी मति मारी गई थी क्या? उसने विरोध करने की आवश्यकता थी क्या थी? और अगर वहाँ पर कुछ लोगों ने एक्साइटेड होकर उसको पीटा तो गलत क्या किया? उनका तो सरेआम औरंगाबाद में सत्कार होना चाहिए। जब मेरा आंदोलन चल रहा था भारत माता की जय का, तो इसने वंदे मातरम गीत का भी विरोध किया और भारत माता की जय का भी विरोध किया, और जिस समय वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो ये खड़ा नहीं हुआ, तो इसको बहुत चर्बी है। AIMIM पार्षद सैयद मतीन को धार्मिक भावना को आहत करने और दंगा भड़काने की कोशिश के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मारपीट करने वाले बीजेपी पार्षदों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। आज तक कितने लोगों को आपस में लड़ते देखा होगा आपने? 4-5-6, चलिए ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग। लेकिन किसी लड़ाई में दो गांव ही आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे पर लाठियां भांजने लगे तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का दावा है कि दो गांव में लठम लठ हो रही है, लेकिन क्यों? क्या है दो गांव की लठमार लड़ाई का ये खेल? ये है पहले गांव के लोग, लाठियों से लैस, पोजीशन लिए हुए। सामने हैं दुश्मन गांव के लोग और ये आक्रमण। टीवी पर महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ के सैनिक इसी तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये लोग महाभारत क्यों कर रहे हैं? विवाद एक दो लोगों का हो सकता है, एक दो परिवारों का हो सकता है, लेकिन दो गांव के सैकड़ों लोगों की लड़ाई, वो भी लाठियों से, रंजिश पुरानी लगती है। पहला सवाल तो ये कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है, ऐसा क्या विवाद हो गया कि लड़ने के लिए पूरा गांव ही उठकर आ गया है? वायरल हो रहा ये वीडियो बनाया ऐसे गया है मानो पहले से ही पता था कि लड़ाई होने वाली है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरा चालू रहता है, ऐसे में हमें वीडियो पर थोड़ा शक हुआ। ये वीडियो कहाँ का है ये तो वीडियो देख कर पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद हमें इस वीडियो का पता मिल ही गया।
ये वीडियो बिहार के दरभंगा जिले के पैठान कबई गांव का है। माजरा है क्या, ये जानने के लिए हमारी टीम पैठान कबई गांव रवाना हुई। पता चला कि ये कोई लड़ाई नहीं हो रही, ये तो हर साल मुहर्रम पर इलाके में निभाई जाने वाली एक पुरानी परंपरा है। इसका नाम है ताजिया मिलन। तो उधर से जो आते हैं हम लोग इधर से मिलते हैं आपस में भाईचारगी के साथ, ठीक है। यहाँ जो लाठी ऐसे जो देख रहे हैं सब सोचते हैं गैर कौम वाले के मारपीट हो रहा है, लेकिन ये मारपीट कोई भी नहीं, भाईचारगी का मिलान है। आपस में हम लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं। इतनी लाठियाँ हजारों की तादाद में लाठियाँ दिखाई देती है लेकिन किसी का सर तक नहीं पहुँचता। हर टोला के लोग आते हैं वहाँ पर चौक पर और सद्भावना से अपना मिलान करते हैं, जिससे कोई ऐसा लगता है कि मार हो रही, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सब मेल जोल से मिलते हैं फिर अपना अपना अखाड़ा पर चले आते हैं। लकड़ी से बना, फूलों से सजा और बिजली की लड़ियों से रोशन ये गगनचुंबी ढांचा ताजिया है। मुहर्रम के महीने में हर मोहल्ला अपना अपना ताजिया बनाता है, फिर ताजिये के साथ मोहल्ले के सैकड़ों लोगों का जुलूस निकलता है। अलग अलग मोहल्ले के लोगों का ये जुलूस एक चौक पर मिलता है और फिर परंपरा के मुताबिक लहरा उठती है लाठियाँ। इसके बाद करबला में ताजिया को दफना दिया जाता है। कोनो लड़ाई नहीं है, ये समुदाय के लोग अपना खेलते कूदते हैं और मिलान उलान करने के लिए अपना मुहर्रम विसर्जन करने के लिए करबला का स्थान पर पहुंचते हैं, फिर वहां विसर्जन करके फिर लोग आपस में खेलते कूदते वापस गांव में चले आते हैं। इस दर्शक में हिंदू मुसलमान सभी वर्गों के लोग रहते हैं। आपसी भाईचारे का ये आलम है कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के पूरे गेम को खेलते हैं और करबला तक जाते हैं और किसी तरह का आज तक यहाँ कोई अप्रिय घटना जाति भावना के आधार पर नहीं हुआ। ये पठान कबई की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब खेलने का है तो ये नई नस्ल के बच्चे हैं, थोड़ा ज़्यादा जोश दिखाते हैं तो कैमरे पे देखने में ऐसा लगता है कि ये लड़ रहे हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं है, ये सब इनका खेल है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दो दिन ताजिया मिलन होता है। ताजिया मिलन के लिए महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। बांस से लाठियां बनाई जाती हैं। मिलन के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि परंपरा को ठीक तरीके से निभाया जा सके। ये शुरुआत से ही है, हमारे पूर्वज जो किए उसी पे अभी तक हम लोग वैसे ही कर रहे हैं और पूरे गांव के हर मोहल्ले के लोग यहाँ मिलान करने आते हैं आपसी में सद्भावना के साथ कि कोई जख्मी नहीं हो, और लोग पहले ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद मिलान करते हैं। लाठी बनती है जो बांस बहुत है वहाँ से, कच्चे बांस की लाठी लोग अपने 1 तारीख से बनाते हैं खेलने के लिए, 10वें मिलान के बाद लाठी फिर खत्म हो जाती है। वैसे तो मुहर्रम पर मुसलमान करबला की लड़ाई को याद करते हुए मातम मनाते हैं, लेकिन ताजिया मिलन आपसी भाईचारे और एकता का मौका है, जहां अलग अलग मोहल्ले से मुसलमान बिना किसी जान पहचान के एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू भी इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के साथ शामिल होते हैं। वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि लोग एक दूसरे पर लाठी से हमला नहीं कर रहे, सिर्फ लाठी से लाठी टकरा रहे हैं। यही है ताजिया मिलन। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में दो गांवों की लड़ाई बताता वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है। ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि मुहर्रम पर ताजिया मिलन का आयोजन है।